सरदार अंकार सिंह जी सूबा जनरल सकत्र बीके जी राजेवाल वो अपने विचार संगत प्रति रखे। उन्होंने तो बाद साढ़े सरकार जो सूबा आगू प्रेम सिंह जी पंगू जी वह भी बैठे ने, उन्होंने भी अपने विचार रखने ने। सर संगतान के चरणों बेनती जो सज्जे खब्बे ने चाहे मगरवाजा सुन रहे ने आण के पंडाल सज्जन की कृपालता करो जी। मंच से सुशोभित किसान आगू साहबान पंडाल विच वीर बजुर्ग मातावां नौजवान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी हुणे शहीद योधियां दा शहीद भगत सिंह जी का जो पेशकारी है नौजवान वीरां ने पेश कीती वो देखी है। सो अज भी वो लड़ाई उवें ही जारी है क्योंकि जिस अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने शहादत दिती अंग्रेजों की गुलामी तो सानू आजाद कराउण दे लई उन्होंने अपनियां शहादतां दित्तियां। अज फिर असी उस तरह गुलाम हाँ अंग्रेजों के नहीं पर इतों के काले अंग्रेजों के गुलाम अज सानू बुलाया जा रहा है। सो जबर ते सबर की लड़ाई है जिहड़ी हमेशा चलती आई है। अज भी तुहाडे उत्ते जबर हो रहा है इतों की हाकम धिर मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काले कानून बना के मजदूरों के खिलाफ काले कानून बना के इतों की जनता नूं निहत्थे करना चाहती है। सो इस लड़ाई दे विच तुसी पहलकदमी की है पंजाब वासियां ने और वो पहलकदमी है जिहड़ी तुहाडी रंग ले आई है वो अंदोलन पंजाब तो विढ़िया अंदोलन हरियाणे विचों हुंदा होया सारे देश विच आई ये अंदोलन है जिहड़ा वो व्यापक रूप धार चुके है। और ये भी गल है भी तुसी राजनीतिक लोकां नूं जिन्हां दी हमेशा असी हथ ठोके बन के रहे हाँ जिन्हां दे गलां च हार पाउणा साडा मुख कम रहा है जिन्हां दीआं तलीआं झसणा साडा मुख कम रहा है अज उस गुलामी दे जूड़े चों कढ़न लई तुहाडे लई इह उपराला इस एजिटेशन ने कीता है। क्योंकि राजनीतिक लोकां नूं तुसी इस स्टेज दे नेड़े नहीं टुकण दिता। सब तो पहला फैसला सी भई कोई भी राजनीतिक आगू किसानों की इस स्टेज पर आके नहीं बोल सकूगा। हाँ जे वो आना चाहता है तो आके वो पंडाल दे विच बैठ सकता है समर्थन कर सकता है हमायत कर सकता है पर वीरो गल इत्थी नहीं मुकनी। सानू सचेत होने की लोड़ है क्योंकि ज्यों ज्यों ये अंदोलन व्यापक रूप धारदा जा रहा है जिथे उन्होंने थान नहीं सी लभदी कोई भी प्रोग्राम देने लई पिंडां दे विच जाण दी किते भी कोई प्रोग्राम है जिहड़ा उन्होंने सफल नहीं सी हो रहा लोग कट्ठे होके उन्होंने विरोध करन लगे खासकर भाजपाई लोगों का। उहदे नाल जिन्हां ने भी इहदे विच योगदान पाया इस अंदोलन की खिलाफत की उन्होंने सज़ा देने की गल की पर वीरो सानू सचेत अजे भी होना पैना है क्योंकि आ जदों का दौर चलिया संयुक्त किसान मोर्चे दीयां रैलियां का संयुक्त किसान मोर्चे के नाँ ते रैलियां करन दा मैं तो एक गल समझदा
ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਥੋਂ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਰੀਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ, ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ, ਪੌਂਡੀਚਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜਿੱਠ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
और तुहाडी वड्डी ताकत है बई तुहाडे आगू अज बंगाल ते दूसरे स्टेटां दे विच उधर पंज दिन ला के आए ने और अगे भी मेरा ख्याल है लाउणगे बई उत्थे जागृति है जिहड़ी उह पैदा कर दित्ती है क्योंकि सरकार कहिंदी सी भी ये तो अंदोलन पंजाबियों का है तो पंजाब के किसानों का है गिणती भर किसानों का है पर पंजाब के किसानों ने जागृति लिया दिती है जिथे मुद्दा मुद्दा MSP का सी भावें पंजाब दे विच कणक झोना MSP के उत्ते खरीदया जाता सी भावें हरियाणे दे विच MSP के उत्ते खरीदया जाता सी पर वीरो अज उन्हां लोकां नूं भी जाग आ गई है जब उत्थे जाके दसदे आ बंगाल दे विच बई 1888 वाला झोना तुहाडे 1400 क्यों विकदा है तुहाडे 1300 क्यों विकदा है असीं मंग तुहाडी रख रहे हां किसानों तुहानूं भी जागरूक होना चाहिए तुसीं भी इकट्ठे होकर इस गल का विरोध करो सो अज ये अंदोलन है जिहड़ा ये देश व्यापी बन गया है सो सारा देश इस गल दे विच जुड़िया है किसानां नूं जगाउण दे विच मजदूरां नूं जगाउण दे विच तुसीं कामयाब होए हो सो आउण वाला समां दसेगा बई तुसीं इहदे विच किन्ने सफल होने हो सो वीरो इहदे नाल ही इस अंदोलन ने बहुत सारिया नवीं पिरतां पाईआं ने जिथे रिकॉर्ड तोड़िया मैं कहूँगा भी गिनीज बुक दे विच जां दूसरे इतिहासक तत्थ ने जिहड़े ओह ये बनने ने बड़े बड़े इतिहासकारां ने इहदे उत्ते चर्चावां करनियां ने बड़े बड़े लेख लिखने ने आउण वाले समें च इतिहास लिखिया जाणा इस अंदोलन का सो अज दुनिया दियां नज़रां ने जिहड़ियां इस अंदोलन के उत्ते टिकियां होईयां ने हर एक दे मन की भावना है हर एक दियां इच्छावां ने बई साडे भाईचारा जिहड़ा पंजाब हरियाणे का जां दूसरियां स्टेटां का दिल्ली के बैठा है उन्होंने किसी किस्म की आंच ना आवे वो तंदुरुस्त रहन उन्हां दी सलामती दियां दुआवां करदे ने उत्थे नाल दी नाल तुहाडे इस अंदोलन नूं दी सफलता दे लई अरदासां करदे ने दरबार साहब दे विच हजूर साहब गुरद्वारा साहब दे विच सचखंड सारे अरदासां हुंदियां ने सो सब दियां भावनावां तुहाडे नाल जुड़ियां ने इत्थों तक बई तुहाडे छोटे छोटे बच्चे हर एक बच्चा जिहड़ा छोटे तो छोटा है वह भी अज इस अंदोलन दे विच उन्होंने जिस तरह का भी कोई योगदान पा सकता उन्होंने पाया किते बच्चे तख्तियां लैके खड़दे ने माटो लिख के किते बच्चे बर्फ दे तोदे दा किसान बना के उहदे गल च हार पा के उन्हां दी पूजा करदे ने किते होर ढंग दे नाल इस अंदोलन नूं स्वीकारिया जा रहा है सो ये इतिहासक गल है बई अज ये भूतरी सरकार मोदी सरकार हंकार दे विच लिप्त हुई सरकार है जिहड़ी उहदा दिमाग है जिहड़ा अजे टिकाणे नहीं आया सो मैं समझदा भी तुहाडी ताकत है जिहड़ी तुहाडी दृढ़ता है तुहाडा जिहड़ा आत्म विश्वास है जिस आत्म विश्वास दे नाल तुसीं इत्थे बैठे हो तुसीं लोकां दा मन जित्तिया जिथे मोदी सरकार ने हर वो हरबा वरतन की कोशिश की है हिंदू तप का पत्ता खेडन की कोशिश की है लड़ाउण की कोशिश की है गुरद्वारा बंगला साहब जाके प्रदर्शन किए गए ने इत्थे भी तुहाडे उत्ते पत्थरबाजी करवाई गई सो वीरो ये बहुत वड्डी साजिश सी पर तुसी उस तो बचे हो उस तो किनारा तुहानू मिलिया तुहानू हरियाणे दा सहयोग सारे भाईचारे ने रल के इत्थे इकट्ठ दा सबूत दिता और किसी की हिम्मत नहीं पई तुहाडे वल गहरी अख नाल झाकण दी और खुशी इस गल दी भी है बई तुसी जिथे बैठे हो आले दुआले लोकां दा समर्थन है जिहड़ा वह भी तुसी जितया उन्हां दे मन भी तुसी जिते ने उन्हां नूं भी एहसास करवाया तुसी उन्हां नूं भी जिताया बई असीं तुहाडे भरा असीं अपना शांतमई अंदोलन लड़ रहे हां
असी तुहानू तकलीफ देने लई इत्थे नहीं बैठे। इस तरह दिल्ली वासी हिंदू लोग जिहड़े जिन्हां वंडन का कोशिश की गई उन्होंने भी आके तुहाडे इस अंदोलन के हिस्सा पाउण की कोशिश की है पूरा। सो वीरो तुसीं हर पक्ष से जित वल वध रहे हो, तुहानू कोई हराउण वाला नहीं, क्योंकि मानयोग राजेवाल जी कहिंदे हुंदे आ बई जे अंदोलन शांतमई है सी और अगे रहेगा, जे असी इस गल दे उते दृढ़ रहे तां जित साडी होएगी, जे असी इहनू हिंसक रूप दे दिता तां जित मोदी दी होएगी। वह बार बार यही गल कहिंदे ने और अज मैं भी यही गल कहना बई जे असी इहनू शांतमई रखण विच सफल रहे तां असी कामयाब होवांगे। वीरो जरूरी बेनतियां भी मैं करदा, एक तुसी देखो इन्ना सियाल दा महीने लंघे पूरा फिरदी सर्दी दे विच तुसी पूरा अपना जिहड़ा टमटमा पूरी तरह बना के रखे है, पूरी दृढ़ता दे नाल उस सर्दी नूं तुसी लड़ाया है। हुण गर्मी दा मौसम आ गया है, गर्मी दे मौसम नूं मुख रखदे आ बहुत सारियां औकड़ां ने जिहड़ियां वह आ रही ने जां आउणियां ने, क्योंकि अजकल खुश्क मौसम होंदा है, बाब रोला भी चलते ने, नेरियां भी आउंदियां ने, सारा कुछ हुंदा है। और इस मौसम दे विच सब तो बड़ी गल है सानू बचा के रखण दी इस साडे टमटमे नूं। इहदे विच जिस तरह का हालात ने आपां नूं हुण इस मौके कूलर लाउणे पै रहे ने, पखे लाउणे पै रहे ने, बिजली का सिस्टम है जिहड़ा वह इत्थे सीमित है, क्योंकि उही ट्रांसफार्मर जे इन्हां ते लोड पा के असी हुण तक लाइटां वगैरह का कम लैंदे रहे आ। हुण उही ट्रांसफार्मर ने जिन्हां ते कच्चियां तारां ला के असी अपने कूलर एसी वगैरह चलाउण वालियां कोशिश कर रहे आ। सो मैं बेनती करदा भाई वीरो ध्यान रखना, एक तो पूरे तरीके दे नाल जिहड़ा कोई जानकार होवे उही नौजवान पूरी मुस्तैदी दे नाल बिजली का जिहड़ा ये काम करे, और तारा वगैरह आईयां जां होण जिहड़ियां सड़ ना सकण, क्योंकि देखदे आं कदे लाइट इधरले पासे बंद हुंदी है कदे परले पासे बंद हुंदी है, इहदे नाल कोई घटना भी वापर सकदी है, क्योंकि जदों माड़ी तार सड़दी है उहदे नाल किते भी अग वाली घटना भी वापर सकती है। सो फूस दा साडे जिहड़े हुण बना रहे हां असीं टेंट वगैरह उहदे विच फूस भी है, बांस भी ने, लकड़ी है सारे उहदे विच भी सानू खतरे तो सुचेत रहना चाहिए। सो मैं बेनती करदा बई एक तो जदों पिड़ां दा टाइम हुंदा सी देखदे हुंदे सी बुजुर्ग जे किते अग लाउणी चुल्हा बालना चाह बनाउण लई खेत दे विच तां नाल दी नाल उहनूं बंद कर दिंदे सी बई देखे किते चिंगारी बाहर चली जावे। सो इस गल दे लई सुचेत सानू होना पऊगा बई किते भी अग बालनी आ उहनूं नाल दी नाल बुझा देना चाहीदा है, किते भी लाइट दा जिहड़ा तुहाडा प्रबंध है कच्चा प्रबंध है उह सही होना चाहीदा है, इह जरूर कर लैणा चाहीदा है। इक बेनती मेरी इह है बई जिस तरह अग बुझाऊ यंत्र जिहड़े आ छोटे सिलेंडर सी पहला इत्थे बहुत बंडे गए सी, पर वीरो मैनू लगता भी बहुत सारे वीर ने पिंडां नूं लै गए चाके, होर भी हो सकता भी संभव हो जाण, नहीं आपो अपनियां ट्रालियां दे विच एक एक सिलेंडर वो जरूर चाहीदा, पानी का भी इंतजाम जरूर रखना चाहीदा, हर एक ट्राली जां लंगर दे विच ढोल वगैरह भर के रखना चाहीदा। सो सारे इन्हां गल्लां दा पूरा अपना ध्यान रखना है। सो वीरो मैं तां यही बेनती करूँ बई तुसी तकड़े हो, तुहाडा अंदोलन है जिहड़ा ये दुनिया व्यापी अंदोलन है, दुनिया दीआं ताकतां ने तुहाडा इस अंदोलन का समर्थन किया, इस करके जित तुहाडी यकीनी है, हठ धर्मी है मोदी सरकार की, यह हठ धर्मी जरूर टुटेगी। मैं इनियां ही बेनतियां करदा खिमां दा जाचकां, धन्नवाद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।